पीपल, हम भारत के लोग पिछले करीब 7-8 साल से एक नया काम मिला है जो भारत के एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं उनके नेताओं के लिए, संविधान बचाने का। उससे पहले वो उनको जो काम मिला हुआ था वो था जो ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो प्राइवेट हो रही हैं उससे लड़ने का, उससे बचाने का। उससे पहले उनको एक काम मिला था आरक्षण का पूरा हिस्सा लेने का, पूरा बचाने का। तो ये प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण की भी बात चली तो दो काम उनके एक साथ हो गए। उससे पहले उनको हिस्सा मिला कि हमारे साथ में बहुत ज़्यादा जातियाँ होती हैं, प्रताड़ना होती हैं, उसके लिए वो लड़ते थे। ये काम लगातार लगातार उनको मिलते रहते हैं क्योंकि उन्हें काम करने की आदत है, तो कोई ना कोई काम उनको मिलता रहना चाहिए। मगर काम देता कौन है इसका उन्हें कभी ध्यान नहीं रहता कि वो किसका काम कर रहे हैं, कौन उनको काम पे लगाता है, कौन उनको काम पे लगाए हुए है और कौन उनको इकट्ठा होने से रोकता है। तो आजकल जो नया काम है 6-7 साल से संविधान को बचाने का, इसमें सब लोग लगे पड़े हैं और पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से लगे पड़े हैं। कुछ लोगों ने तो संविधान की कॉपियाँ बांटनी शुरू की हैं, वो संविधान लगातार बांट रहे हैं, छपा छपा कर, नाम लिखवा लिखवा कर अपना संविधान बांट रहे हैं। और वो संविधान जिनको देते हैं उनके पास 5-5, 6-6 संविधान पहुंच गए हैं और वो ऐसे के ऐसे ही पीले पड़ते जाते हैं, कुछ पढ़ भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ को काम मिला है कि वो संविधान का प्रीएम्बल बांट रहे हैं, कुछ को काम मिला है कि वो संविधान का प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं। जो कुछ ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इस टाइप के जो लोग हैं, उन्होंने बाकायदा संविधान की पाठशाला और संविधान की क्लास लगानी शुरू कर दी है, वो संविधान को पढ़ा रहे हैं। कुछ संविधान का फोटो बड़ा बड़ा लगा के उसके साथ में सेल्फी और फोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ संविधान का दिवस भी मना रहे हैं। तो चारों तरफ से संविधान को बचाने की बात खूब धूमधाम से चल रही है, जैसा कि आरक्षण को बचाने की चलती थी, जैसा कि कंपनियों को, सरकारी नौकरियों को बचाने की चलती थी, जैसा कि अपनी एट्रोसिटीज़ बचाने की चलती थी, वैसे ही ये भी चल रही है। बड़े बड़े जन जागरण इस पर हो रहे हैं और कुछ लोगों ने तो बाकायदा प्रोग्राम भी इसमें किया हुआ है, संवर्धन, शक्ति, बचाओ, क्या क्या शब्द हैं, मतलब जो जैसा जिसको फिट लगा। मगर संविधान बचता कैसे है इसकी जानकारी कोई लेने को तैयार नहीं है। कैसे संविधान बचा? संविधान में एक पेज था जिस पे लिखा हुआ था कि ये एक्ट्रोसिटी जो एक्ट है ये शेड्यूल कास्ट को बचाएगा, और शेड्यूल कास्ट में जब भी कोई अत्याचार होगा तो ये एक्ट के अनुसार उनकी एफआईआर होगी और उस एफआईआर में ये फ़ायदा होगा, जिससे कि लोग उन पे अत्याचार करने से डरते थे, रुकते थे। तो गवर्नमेंट ने उस एससी एसटी एक्ट को नल एंड वॉइड कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो संविधान में से वो पेज चला गया, यानी संविधान में से वो ख़त्म कर दिया गया, संविधान एक तरह से उसके लिए वो ख़त्म हो गया, कह सकते हैं कि संविधान थोड़ा सा ख़त्म हो गया। तो नेताओं को आना चाहिए था कि भाई इसको बचाना चाहिए, मगर नेता नहीं आए। कई संगठनों ने तो बाकायदा लिख के मना भी कर दिया कि हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, हमें ये नहीं बचाना है। तो जनता सड़क पे आ गई, तो लोग सड़क पे आ गए, तो 2 अप्रैल 2018 को लोग सड़क पे आए, आधे दिन के लिए आए थे। और वो जो पेज जो संविधान से निकाल के फाड़ दिया था वो कुछ दिन बाद संविधान में फिर चिपका दिया और वो संविधान का वो पेज बच गया। तो ये पता चला कि संविधान बचाने के लिए लोगों को इकट्ठा होना है। अगर लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो जो कानून संविधान में से निकाले गए हैं वो जुड़ सकते हैं, जो नहीं माने गए हैं वो माने जा सकते हैं, और जो और जोड़े जाने हैं वो जुड़ सकते हैं अगर लोग चाहें तो। तो तब ये पता चला कि संविधान की जो शक्ति है वो संविधान को पढ़ने में नहीं है, वो संविधान को बांटने में नहीं है, वो लोगों के इकट्ठे होने में है। यानी कि संविधान की शक्ति लोगों से है, संविधान की शक्ति संविधान में लिखे हुए को पढ़ने से नहीं है, उसको बांटने से नहीं है, उसको रटने से नहीं है, उसका शोर मचाने से नहीं है। लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो जो भी संविधान में आपने सशक्तिकरण करना है, जो भी जोड़ना है, जो भी घटाना है, वो कर सकते हैं।
और अगर लोग इकट्ठे नहीं होते 2 अप्रैल 2018 को, तो वो संविधान का जो पेज है वो निकल जाता और संविधान और कमज़ोर हो जाता। ऐसे ही सारे पेज एक एक करके निकल जाएंगे और संविधान खत्म हो जाएगा, खाली उसके 2 कवर बचेंगे, ऊपर का नीचे का। मगर अगर लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो जितने पेज उसमें से निकले हैं वो सारे उसमें जुड़ जाएंगे और सारे बाकायदा माने जाएंगे। तो ये तय होता है, और संविधान भी कहता है कि संविधान में कोई शक्ति अपने आप नहीं है, संविधान की शक्ति लोगों में है और लोगों की शक्ति इकट्ठे होने में है। इसलिए बाबा साहब जैसे जो विद्वान हैं, दुनिया के मॉडर्न हिस्ट्री के नंबर 1 विद्वान, वो ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइज का मतलब है सबको संघ में रहना है, संगठित नहीं होना है। संगठन तो लाखों बनाए हुए हैं छोटे छोटे, ये तो ग्रुप हैं, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है छोटे छोटे सारे टुकड़े केंद्र से जाके मिल जाएं, केंद्र में जाके मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंपटीशन के। तो नेता तो आपको इकट्ठा होने देगा नहीं, अगर नेता आपको इकट्ठा देने चाहता तो 70 साल में अब तक सब इकट्ठे हो गए थे। नेता तो तोड़ता है, पहले एक संगठन, फिर दो के चार, फिर 4 के 8, फिर 8 के 16, और वो आपको कभी संघ नहीं बनाने देगा, कभी नहीं इकट्ठा होने देगा। मगर अगर आपको जीतना है, आपको संविधान बनाना है, तो आप समर संघ में आ जाइए, वी द पीपल में आ जाइए, आकर देखिए वी द पीपल कैसे काम करता है। एक बार आके देखिए जरूर, अपने सवाल जवाब के साथ में, जो आपके सवाल हैं वो लेके आइए, सबका जवाब मिलेगा। यहाँ बहुत लोग हैं आपके सवाल के जवाब देने वाले। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि अब हम शायद इकट्ठे हो जाएं तो संविधान बच सकता है, वरना संविधान नहीं बचता। धन्यवाद।